नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस विभाग की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 900 से भी अधिक पदों पर SI और सूबेदार की पोस्ट के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना साल 2021 के अंदर पुलिस विभाग को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए साल 2021 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आगे इस वीडियो के अंदर हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, कब से लेकर कब तक कर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कैसे आप लोग आवेदन करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट या कैंसिल ना किया जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग दिल से इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें जो कि बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि आपको 900 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। देन इसके बाद अगर बात करें कि पोस्ट कौन सी रहेंगी, तो SI यानी कि सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की वैकेंसी यहां पे होने वाली है। देन यहां पे आपकी एज मैक्सिमम जो है वो 34 यानी कि 34 वर्ष तक की होनी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इस वैकेंसी में आवेदन करने की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2021 तक की होने वाली है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है आवेदन करने के लिए। आप लोग ध्यान से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और उसको रीड करिए, देन आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख पाएंगे, 975 यानी कि 975 पदों पर यहां पे भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट डेट, आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो डेट है वो 1/10/2021 है, यानी कि 1 अक्टूबर से सुबह 10:30 बजे से लेकर आखिरी डेट यहां पे 31/10/2021 यानी कि 31 अक्टूबर तक की रखी गई है। शाम के 5:30 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और वेतन कितना रहेगा। तो वेतन मान के अंदर आप लोग देख पाएंगे जितनी भी वैकेंसी है लेवल 8 के अंतर्गत 35,400 रुपये तक आपको वेतन यहाँ पे दिया जाना है। टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे 975 आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात कर लें कौन कौन सी वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी भी देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे पदनाम है सूबेदार का, उपनिरीक्षक का, उपनिरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर का, उपनिरीक्षक का अंगुल चिन्ह के अंदर, और उपनिरीक्षक यहाँ पे आपका प्रश्नाधीन दस्तावेज, उपनिरीक्षक कंप्यूटर यानी कि उपनिरीक्षक का मतलब यहाँ पे SI से है, और SI रेडियो, यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ से अगर आप लोग नीचे आते हैं तो आपकी एज है जो कि अधिकतम यहाँ पे 34 वर्ष यानी कि 34 साल तक के लिए बोली गई है। इसके बाद यहाँ पे शैक्षिक अर्हता देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे आपकी योग्यता क्या होने वाली है। डिप्लोमा वगैरह के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और चयन यहाँ पे आपका कैसे किया जाएगा, देखें चयन सबसे पहले आपकी शारीरिक नापतौल यानी कि फिजिकल फिटनेस, इसके बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा यानी कि यहाँ पे आपका प्रीलिम्स एग्जाम, मुख्य लिखित परीक्षा मेंस एग्जाम, और शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू शामिल है। इसके बाद आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। टोटल 3 ही पेजों का नोटिफिकेशन है जो कि आपको मैंने दिखा दिया है। आगे आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस विभाग की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए
900 से अधिक यानी कि 975 पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नोटिफिकेशन के साथ साथ यहां पे लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहां पे आपकी उम्र 34 वर्ष तक की होनी चाहिए और आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे देखें SI एंड सूबेदार की पोस्ट के लिए आपको आवेदन करने होंगे। आखिरी डेट की यहाँ पे हम बात करें कि 31 अक्टूबर 2021 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं जहां से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक मिलने वाला है। दोस्तों आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे पुलिस रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। अप्लाई फॉर 975 सूबेदार एंड SI पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करने होंगे। देन आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे linkworking.org की वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से अपडेट देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 975 यानी कि 975 पदों पर भर्तियाँ आ चुकी हैं जहाँ पे आपको सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट, सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और सब इंस्पेक्टर रेडियो यानी कि SI की वैकेंसी काफ़ी सारी आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको डेट भी बताई गई है कि आप लोग 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आपकी एज यहाँ पे मैक्सिमम 34 यानी कि 34 वर्ष तक की होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी दिया जाएगा। यहीं पे अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन फीस की तो नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन है टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे, आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ही होगा और बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोग उनकी लिस्ट यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे वेतन है जो कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपको मंथली का दिया जाएगा। देन एजुकेशन है जो कि मेट्रिकुलेशन, 12 डिप्लोमा, ग्रेजुएट वगैरह हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है, कैसे आप लोग आवेदन करेंगे, कब तक आवेदन करेंगे, तो 31 अक्टूबर 2021 आखिरी डेट है, इससे पहले आपको जरूर से आवेदन फिल कर देने हैं। देन यहाँ पे बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्जाम के बेस पे आप सभी का चयन होना है। देन आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा जहां पे आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का लिंक मिलेगा। आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पे पेज पे आ जाएंगे। इनके यहां पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में नोटिफिकेशन वगैरह कैसे डाउनलोड करना है यहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहां पे आपको क्लिक करना होगा जहां से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहां से आप लोग देख पाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, कैडरे, प्लाटून कमांडर, रिक्रूटमेंट। यहां पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैं सहमत हूं, आई एग्री की बटन पे आपको टैप करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं देख सकते हैं, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर यहाँ पे आपको, स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सब इंस्पेक्टर खाली की पोस्ट पे आवेदन किया नॉर्मल सी। इसके बाद आपको यहाँ पे आवेदित पद अनुसार कृपया प्राथमिकता क्रम को चयन करें, तो आपको यहाँ पे जो है तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऐसे सेलेक्ट करना है और आपने जितने भी पद यहाँ पे सेलेक्ट किया है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट नंबर क्या रहेगा, सेकेंड नंबर क्या रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे दो पोस्टें सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा दूसरी पोस्ट कौन सी रहेगी, पहली पोस्ट कौन सी रहेगी, इसके हिसाब से आपका यहाँ पे जो है तो वेटेज होने वाला है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे कैंडिडेट का नाम रहेगा, मिडिल नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, फादर या हस्बैंड नेम रहेगा और उनका भी मिडिल नेम और उनका भी लास्ट नेम, सेम ऐसे ही मदर नेम, इनका मिडिल नेम और लास्ट नेम। जेंडर के अंदर आप लोग मेल, फीमेल, मेल ट्रांसजेंडर या फीमेल ट्रांसजेंडर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी बतानी है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, जो भी हो आप लोग सेलेक्ट करिए।
इसके बाद यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलना है तो सेलेक्ट करिए, एज बतानी है, कितने साल के हो गए ये बताना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ऐसी काफ़ी सारी जानकारी जो कि आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आवेदन करने का एक वीडियो अपलोड करूं तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने की वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।